इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि कैनवा में लोगो कैसे बनाया जाता है, एक चीज़। और लोगो बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, तो कोई लिमिट नहीं है। बट खासकर इस वीडियो में आप सीखेंगे कि राउंड लोगो कैसे बनाना है और टेक्स्ट को राउंड कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो मुझे एक राउंड लोगो बनाना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और एक लूँगा सर्कल। ठीक है, सर्कल लेने वाला हूँ मैं। तो एक मैंने ये सर्कल ले लिया। बैकग्राउंड का कलर मैं थोड़ी देर के लिए ग्रे कर दूंगा, जिससे मुझे चीज़ें दिखाई दे जाएं। और एक मैं ये वाला सर्कल ले लूँगा। तो ये इस तरीके से मैंने ले लिया है, ये देखिए। अब मुझे जो पीछे वाला सर्कल है, इसका कलर वलर अपने हिसाब से आपकी पसंद की बात है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी बेसिक चीज़ें, ये दो सर्कल मैंने ले लिए। और मुझे अब एक टेक्स्ट लिखना है, गुरुजी इंग्लिश क्लासेस, गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया है। टेक्स्ट को मैंने कर देना है अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से बोल्ड। और अब इस टेक्स्ट को मुझे राउंड करना है, तो राउंड में जाके यहाँ पर देखिए, कर्व इफ़ेक्ट्स में गया मैं, इफ़ेक्ट्स में, और यहाँ पर टेक्स्ट मिला है कर्व। जैसे ही मैंने कर्व किया, ये राउंड हो गया। अब इस राउंड को मुझे यहाँ पर सेट करना है, थोड़ा सा सेट करना है। तो सेट करने के लिए यहाँ पर एक लाइन होती है ऐसे, इससे आप इसको ऐसे सेट कर सकते हो। तो मुझे ये यहाँ पर ऐसे सेट करना है, ये देखिए हो गया सेट। और यहाँ पर मैंने इसको ले लिया ब्लू कलर, ठीक है जी। और मुझे ये इसका एक और टेक्स्ट बनाना है नीचे के लिए, फॉर क्या हो गया इसको, फॉर नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ा है। फॉर योर बेटर फ्यूचर, एक टेक्स्ट मैंने ये लिख दिया फॉर योर बेटर फ्यूचर। मैंने इसको भी राउंड करना है, और ये वाली लाइन में इधर ले जाऊंगा तो ये इधर राउंड हो जाएगा। बट इसको अभी थोड़ी सी जगह ज़्यादा घेर रहा है, तो इसको छोटा करेंगे और फिर इस लाइन को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ये देखिए लगभग हो ही चुका है, बहुत बढ़िया। तो ये जो टेक्स्ट है ये हो चुका है राउंड, और इसको मैं कलर दे रहा हूँ जो भी है। देखिए कितना सुंदर जो लोगो है बन के आया है, राइट। अब एक और काम कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, एक इसके पीछे सर्कल लगा सकते हैं वाइट कलर का, चाहें तो। मेरा मन कर गया लगाने का, तो मैं लगाऊंगा। तो मैं ये लगाने वाला हूँ, राइट। इनको थोड़ी देर के लिए मैं साइड में रख देता हूँ। ये मैं लगा के इसको पीछे करूँगा, बैकवर्ड कर दिया। अब ये लोगो बहुत ही शानदार लगेगा इस तरीके से, वाइट। अब मैं इस लोगो को कहीं भी ले जाऊंगा तो अच्छा लगेगा। अब मुझे बस बीच में इंग्लिश का लगाना है, कुछ इंग्लिश का कुछ लगाना है। तो यहाँ पर मैं एलिमेंट्स में जाऊँगा, इंग्लिश सर्च करूँगा, इंग्लिश लोगो सर्च करूँगा, ग्राफिक्स में जाऊँगा। और यहाँ पर मुझे ग्राफिक्स में कुछ भी मिल सकता है जो अच्छा लगे मुझे इंग्लिश से रिलेटेड, तो वो मैं लेने वाला हूँ, इंग्लिश लोगो। तो यहाँ पर मैं लर्न भी लिख सकता हूँ, लर्न इंग्लिश लोगो। तो मिला नहीं मुझे, ABC भी ले सकता हूँ वैसे तो मैं, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ABC समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आ गया है समझ में, क्यों आ गया है, क्योंकि कलर चेंज कर सकता हूँ मैं, ऊपर जो कलर हैं दे रखे हैं। आपका जो लोगो है वो एक ही कलर में होना चाहिए, एक या दो कलर्स में ही होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। लोगो आपका हमेशा एक या दो कलर्स में ही होना चाहिए। तो अब मुझे बहुत बढ़िया लोगो मेरा बन के तैयार हो चुका है, गुरुजी इंग्लिश क्लासेस का। और आप बड़ा करके देख सकते हैं इसको, बहुत ही सुंदर लोगो तैयार हुआ है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है। बेसिक मुझे सिखाना था आपको जो टेक्स्ट है वो राउंड कैसे करना है, राइट। अब इस लोगो को जब आप डाउनलोड करेंगे, उससे पहले देखिए इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए
और सारे एलिमेंट्स को ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने से क्या होता है ना, ये भागते नहीं है इधर उधर, जो आपने पूरी डिज़ाइन बनाई है भागती नहीं है। इसको आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे लोगों को, तो PNG में तो डाउनलोड करेंगे, PNG में, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में आप इसे डाउनलोड करेंगे। तो ये जो डाउन लोगो है आपका PNG में डाउनलोड हो जाएगा। एक बात ये चीज़ ध्यान रखने वाली थी, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड करना है, PNG में डाउनलोड करना है। और कभी किसी को अगर ये WhatsApp पर भेजना है तो आपको हमेशा डॉक्यूमेंट में भेजना है, इमेज में नहीं भेजना। इमेज में भेजेंगे तो आपकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से मैंने ये लोगो भेज दिया है, किसी को भी भेज सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप अपने क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ आपकी सहायता करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।